Audio Jungle. राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना हर्ष विहार में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की को 4 दिन पहले अगवा किया गया था, आज उसका शव बरामद हुआ है। हर्ष विहार थाने पर भारी मात्रा में लोग जमा हैं, जमकर हंगामा कर रहे हैं। नाबालिग के पिता का कहना है कि पुलिस ने अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया है और उनको लगता है कि उनकी लड़की ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। मेरी लड़की 9 तारीख को 7:15 में दवा लेने गई, तब से लापता रही, पूरी रात हम लोग ढूंढे और जब सुबह हुआ तो यहाँ हर्ष विहार थाने आके FIR लिखाया गया। बोले चलो ठीक है, अब ये कुछ करवाने के बोले जाओ ठीक है कार्रवाई किया जाए। 10 तारीख भी दिया साहब, 11 तारीख भी दिया, कल 12 तारीख जब सुबह हुआ तो सिग्नेचर ब्रिज से पुलिस का फोन आ रहा है कि तुम्हारी लड़की खुशी है, तुम्हारा नाम राजेश सिंह है। मैंने कहा हाँ सर मेरा नाम राजेश सिंह, आपको कैसे पता? तो बोले आपकी लड़की यहाँ सिग्नेचर ब्रिज से गिर गई है, उनका कहना है। और मेरा ये मानना है सर मेरी लड़की को मार के फेंका गया, वहाँ से कूदी नहीं, चूँकि उनका CCTV कैमरा नहीं बता रहा और इतना लेंथ पे लगा हुआ है। अगर सरकार अपना करती है, उसमें वैज्ञानिक होते हैं सर, CCTV कैमरे लगते हैं तो वैज्ञानिक होते हैं, चूतिया नहीं बांध के चला जाता। इसका कितने का रेंज है जरा भी एक जो भी नहीं बाकी हो सकता, मेरा मानना है ना। लेकिन यहाँ सब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, बोल रहे हैं कोई राहुल नाम का, यहाँ राहुल नाम का लड़के को जरा भी पेश नहीं किया हमारे सामने कि कौन राहुल है, मैं भी तो देखूँ कौन राहुल है। और 6 बजे वहाँ गया घूमने के लिए और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। सब जब मेरे पास फ़ोन आया तो हम भाग के हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुँचे तो और जब ये लड़की गायब हुई, हरसू खान मुसलमान ये इसको बहुत प्रताड़ित करता था, मुझे नहीं मालूम था, इसके बहनों को मालूम था, इसकी बहन एक बार मारी भी थी उसको, कुछ नहीं था, बात वैसे आपस में कुछ हो गया होगा टेलीफोन ना, तो मेरी लड़की मारी थी ना सर। ऐसा नहीं कहूँगा कि तू मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, हाँ पढ़ लिख रही है वो, लेकिन नहीं साहब ये लव जिहाद का है साहब, मैं हिंदू हूँ ना और मैं साहब UP से हूँ, अगर ये UP होती तो आज कुछ और नजारा होता। तो कहीं साहब अगर पुलिस प्रशासन कार्य किया होता तो साहब 9 तारीख को गायब हुई, अगर सुसाइड करना होता तो 9 को रात को कर लेती, 10 को कर लेती, 11 को, 12 तारीख ही था, 12 तारीख नहीं था ना, ना? अगर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्य करती तो और बोला गया कि हर्ष खान ऐसा है, लेकिन उसमें FIR तो नाम भी हटा दिए पुलिस वालों ने, और बाद में जब कहा गया तो बोले नाम तो चढ़ जाएगा, वो तो कभी भी फैसले की पूरा किया जा सकता है।